ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है इथेनॉल एंड फिनॉल। इन दोनों कंपाउंड को हम किस तरह से डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं किसी केमिकल टेस्ट की हेल्प से। तो आपको पता है इथेनॉल का मतलब CH3CH2OH और फिनॉल का मतलब आपके पास बेंजीन रिंग होगा और उससे OH जुड़ा होगा। ठीक है, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, पीएच का मतलब फिनाइल C6H5। अब क्योंकि दो कंपाउंड हमारे पास है, इनको हम अलग अलग तरीके से डिस्टिंग्यूज कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हमारे पास है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इथेनॉल, इससे प्रीवियस कंपाउंड में भी हमारे पास इथेनॉल आया था, तो इथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, यानी कि I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करके आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन करता है, यानी कि CHI3 का येलो PPT फॉर्म करता है, यानी कि जो आपका इथेनॉल होगा वो आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा, जबकि जो आपका फिनॉल है, फिनॉल आपका आइडोफॉर्म टेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, नो आइडोफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो पहला तरीका तो ये आपका हुआ, इथेनॉल आइडोफॉर्म देगा, फिनॉल नहीं देगा। दूसरा तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि अगर हम फिनॉल का रिएक्शन FeCl3 के साथ कराएं, फिनॉल का रिएक्शन अगर हम FeCl3 के साथ कराएं, तो ये जो आपका FeCl3 है फिनॉल से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये आपको यहां पर आपका बनेगा फिनॉल, इस तरह से आप दिखा सकते हो, ये होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, इधर हम ऑक्सीजन लगा लेते हैं, इसके साथ आपका आएगा 3, यानी कि फिनॉक्साइड बचेगा और इसके साथ 3, और यहां पर आपके पास आएगा Fe, और जो हाइड्रोजन यहां से हटेगा क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, यानी कि HCl का फॉर्मेशन करेगा, HCl, क्लोरीन 3 है तो आप यहां पर 3 करोगे, हाइड्रोजन 3 आ रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे 3 करना पड़ेगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास होता है ये वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, और इसी रिएक्शन को आप ऐसा भी लिख सकते हो कुछ दूसरे तरीके से, तो ये रिएक्शन आप इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में। अगर आपको एकदम एग्जैक्टली कंपाउंड दिखाना है तो यहां पर आपके पास 6 फिनॉल के मॉलिक्यूल FeCl3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो इस तरह से आपका एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जो कि आपका कैसा होगा, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होगा, वायलेट कॉम्प्लेक्स होगा, और FeCl3 के साथ फिनॉल इस तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है। रिमेनिंग जो यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन आपको यहां पर दिख रहे हैं और 3 हाइड्रोजन यहां पर दिख रहे हैं, यहां पर ये वाले हाइड्रोजन आप चाहो तो इसके साथ ऐड करके भी लिख सकते हो, यहां पे H3, तो ये आपका फिनॉल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके इस तरह का कंपाउंड देता है, जबकि जो आपका इथेनॉल है, इथेनॉल FeCl3 के साथ इस तरह का कोई भी कंपाउंड नहीं देगा, यानी कि वायलेट कलर नहीं देगा, यानी कि नो कलर, किसी भी अदर टाइप का कलर भी नहीं प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो पहला मेथड आपने देखा कि आइडोफॉर्म से आप डिस्टिंग्यूश कर सकते हो, दूसरा हमने देखा कि फिनॉल और इथेनॉल को FeCl3 की हेल्प से डिस्टिंग्यूश किया जा सकता है, यानी कि आप फिनॉल को FeCl3 के साथ ट्रीट कराओगे तो वायलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और इथेनॉल FeCl3 के साथ किसी भी तरह का कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसी तरह से एक और मेथड हमारे पास होता है फिनॉल का, जहां पर फिनॉल आपका कपलिंग रिएक्शन दिखाता है डाइजीनियम सॉल्ट के साथ और इथेनॉल इस तरह का कपलिंग रिएक्शन नहीं दिखाता है। ठीक, आगे आपके पास है फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, क्योंकि अभी हमने देखा प्रीवियस एग्जाम्पल में कि जो फिनॉल होता है आपके पास FeCl3 के साथ वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, तो यहां पर भी आप इसी रिएक्शन का यूज कर सकते हो। फिनॉल आपके पास क्या करेगा, FeCl3 के साथ रिएक्ट करके वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ये रिएक्शन आप लिख सकते हो यहाँ पे फिनॉल के लिए, चाहो तो आप ये वाली लिख दो या फिर इससे ऊपर वाली भी आप लिख सकते हो, वायलेट कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर भी वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो फिनॉल तो FeCl3 के साथ वायलेट कॉम्प्लेक्स देगा, जबकि जो साइक्लोहेक्सेन होगा
साइक्लोहेक्सेनॉल होगा ये किसी भी तरह का कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा, नो कलर। ठीक है, तो यानी कि फिनॉल और साइक्लोहेक्सेनॉल को भी आप FeCl3 की हेल्प से डिस्टिंग्यूश कर सकते हो। एक और तरीका हमारे पास यहाँ पर है, जो फिनॉल होता है ये आसानी से ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपके पास एक और तरीका हमारे पास क्या हुआ, और करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल का अगर आप रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन वाटर के साथ यानी कि Br2 एक्वस, तो ये जो आपका कंपाउंड बनाएगा फिनॉल, ये OH ग्रुप अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर ब्रोमीन आ जाएगा, यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पर भी ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। और इस कंपाउंड का नाम आप देख सकते हो दूसरे नंबर पे, फोर्थ नंबर पे और सिक्स्थ नंबर पे आपका क्या है, ब्रोमो है, यानी कि 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। और ये जो कंपाउंड होता है आपका ये व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में ऑब्जर्व होता है, व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में ऑब्जर्व होगा, यानी कि जो फिनॉल होगा वो ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करेगा और व्हाइट पीपीटी के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसे पहचान सकते हैं और साइक्लोहेक्सेनॉल से इसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं। वैसे अगर साइक्लोहेक्सेनॉल का फॉर्मूला देखा जाए तो आपका इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये दो आपस में इस तरह से डिस्टिंग्यूश किए जा सकते हैं, राइट। तो ये आपके पास फिनॉल और ये साइक्लोहेक्सेनॉल, FeCl3 के साथ भी कोई कलर नहीं देगा और Br2 एक्वस के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे Br2 एक्वस कर दूं तो ये आपका कोई भी कलर नहीं देगा, नो कलर। ठीक, तो ये आपके पास आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन हमारे पास है 20वे, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड में डिस्टिंग्यूश, तो फिनॉल तो आपको पता ही है OH, और बेंजोइक एसिड की हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दिखेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम किस तरह से डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं, तो पहला जो तरीका हमारे पास है मेथड, फर्स्ट हमारे पास जो यहाँ पर है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं जो भी कंपाउंड हमारे पास यहाँ पर है फिनॉल और बेंजोइक एसिड, इनको आप ट्रीट कर दो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक है, विद सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर होता क्या है कि जब हम इन दोनों कंपाउंड में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करते हैं तो इनमें से एक कंपाउंड CO2 लिबरेट करता है और दूसरा CO2 लिबरेट नहीं करता है। और देखा गया कि जो आपका बेंजोइक एसिड होता है, बेंजोइक एसिड अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराओगे तो ये आपका रिएक्शन करके जो कंपाउंड देगा वो आपका होगा सोडियम बेंजोएट बनाएगा एक तो, और आगे हम देखें तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा और एक तरह से यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिलहाल हम दोनों कंपाउंड को इस तरह से लिख लेते हैं H2 एंड CO2, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। यहाँ पर CO2 का इफर्विसेंस होता है और जिससे हमें पता चलता है कि जो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक बेंजोइक एसिड है उसमें से जो बेंजोइक एसिड है वो तो CO2 का लिबरेशन करेगा, जबकि जो फिनॉल होगा, फिनॉल का जो रिएक्शन होगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे यहाँ पे कि इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन इसमें भी है, लेकिन जो फिनॉल आपके पास होता है फिनॉल, ये कार्बोनिक एसिड यानी कि जो H2CO3 यहाँ पर बन रहा है, H2CO3 से भी वीकर एसिड है फिनॉल, तो इसलिए आपका रिएक्शन फॉरवर्ड में नहीं होगा, जबकि बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर है देन कार्बोनिक एसिड, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो पाएगी। ये वाली फॉरवर्ड में क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि अगर हम लिखना चाहें तो आपके पास
ओ एन ए आएगा प्लस H2SO3 लिख लेते हैं, यानी कि कार्बोनिक एसिड। अब ये वाला जो एसिड यहां पर बन रहा है ये कैसा है, स्ट्रॉन्गर, ये कैसा है, वीकर एसिड। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्गर एसिड है तो ये क्या रिएक्शन को क्या करेगा, बैकवर्ड करेगा, यानी कि ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा होगी और फॉरवर्ड में नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आपका CO2 लिबरेट होगा और यहां पर CO2 लिबरेट नहीं हो पाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर एसिड है देन फिनॉल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेंजोइक एसिड और फिनॉल को हम सोडियम बाइकार्बोनेट की हेल्प से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बेंजोइक एसिड CO2 लिबरेट करेगा जबकि फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ H2CO3 का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा और यू कैन से आल्सो यहां पर CO2 लिबरेट नहीं हुआ, जैसे कि आप यहां पर इस तरह से नहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड यहां पर नहीं बनेंगे। अब आपके पास मेथड सेकंड भी हमारे पास यहां पर अवेलेबल है। यहां पर अगर आप क्या करते हो, फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल यानी कि ये वाला, इसका रिएक्शन अगर आप किससे किसके साथ कराते हो, FeCl3 के साथ कराते हो, तो इससे पहले भी आपने देखा था यहां पर रिएक्शन होगी, यहां पर आपका फिनॉक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन हट जाएगा, इसका 3 ले लो Fe, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, साथ में आपके पास यहां पर क्या होगा 3HCl, और ये जो कंपाउंड होता है ये वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी तरफ जो आपका बेंजोइक एसिड है ये आपका FeCl3 के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है, नो रिएक्शन। ठीक है, या किसी तरह का कलर प्रोड्यूस यहां पर नहीं होता, आप ये कह सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है 21 पे, फिनॉल एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है अगर हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन, जो एसिड वाले कंपाउंड होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले, उनका रिएक्शन अगर आप किससे किसके साथ कराओगे, सोडियम बाई कार्बोनेट, तो यहां से हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और ये आपको मिलेगा यहां पर CH3COONA, यानी कि सोडियम इथेनोएट। ठीक है, ये आपका बना प्लस साथ में आपको यहां पर क्या मिलने वाला है, H2O एंड CO2 का इफर्विसेंस यहां पर मिलेगा। ठीक है, CO2 वहां पर एक बुदबुदाहट के साथ निकलेगी। और अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो इससे भी पहले हमने देखा था कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं दे पाता है, जबकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे देता है। यानी कि यहां पर अगर मैं फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाऊं, OH NaHCO3, तो यहां पर किसी भी तरह का रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका CO2 का इफर्विसेंस है, यहां पर CO2 का इफर्विसेंस नहीं होगा, पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारे पास है FeCl3 वाला। ठीक है, तो अगर आप फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराते हो, FeCl3 के साथ कराते हो, तो आपको पता है कि वहां पर फिनॉल के साथ FeCl3 के साथ रिएक्शन कराने पे इस तरह का वायलेट कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि आप यहां पर क्या लिखोगे, वायलेट कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन लिखोगे, वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर हम यहां पर एसिटिक एसिड की बात करें तो यहां पर किस तरह का कंपाउंड बनेगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज होगा FeCl3, और जब ये आपस में रिएक्ट करेगा तो यहां पर आपके पास CH3COO का होल थ्राइस Fe प्लस 3HCl, और यहां पर भी आपको कुछ दिखेगा, बफ कलर्ड PPT दिखेगा, बफ कलर्ड PPT यहां पर आपको नजर आएगा। ठीक है, FeCl3 के साथ तो वायलेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है,
ये वाला। और अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें FeCl3 के साथ, तो ये बफ कलर्ड पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा।